उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए बनाए गए नए रेलवे स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ रेलवे के अधिकारी और उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को एडवेंचर थीम के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया है। सतपाल महाराज ने कहा कि ट्रैकिंग, एडवेंचर, धार्मिक टूरिज्म को योग नगरी स्टेशन पर बढ़ावा दिया जाएगा। लेकर के और कैसे इसको हम टूरिज्म कैसे इसको डेवलप कर सकता है उसकी पूरी प्लानिंग की जाए और निश्चित रूप में ये रेल विभाग इसको अनुमति देगा तो उनसे भी टाई अप हो जाएगा। तो इसलिए दोनों बड़े सीनियर मोस्ट हमारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं तो निश्चित रूप में इसमें काम शुरू हो जाएगा और अच्छी चीज़ जितनी जल्दी शुरू हो जनता को लाभ मिलता है, क्षेत्र को लाभ मिलता है। सर किस रूप टूरिज्म के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जो जो पहाड़ के अंदर हमारे ट्रैकिंग हो गया, एंगलिंग हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया और जो भी हमारा धार्मिक टूरिज्म हो गया, चारधाम यात्रा हो गई और भी हमारी जो शाक्त सर्किट हमारा बन रहा है और शैव सर्किट बन रहा है, वैष्णव सर्किट बन रहा है, डांडा नागराजा सर्किट बन रहा है, नाग देवता का सर्किट बन रहा है और गोलू देवता का सर्किट बना रहे हैं, तो ये सारे सर्किट्स को हम यहाँ पर पब्लिसाइज करेंगे ताकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर सहित दूसरे अफसरों को निर्देश दिए हैं कि योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि देश भर से आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड घूमने से पहले स्टेशन पर उतरते ही पूरी जानकारी मिल जाए। स्टेशन पर ही पर्यटक को उत्तराखंड के खाने और मिठाइयों के बारे में पता चल जाए। सतपाल महाराज ने केदारनाथ ट्रैक पर मसाज सेंटर स्थापित करने की बात भी कही। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, विदेशी यात्रियों को गाइड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। MI News। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।